पूजा मेरी इकलौती बेटी है। हमारा भी इकलौता बेटा है, हम भी अपने चांद से बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाना चाहते हैं। अजी साहब, जब मेरी बेटी सामने आएगी तो चांद भी शर्मा जाएगा। बेटा मैं तुम्हारी नहीं उस चांद की बात कर रहा हूँ। बहुत ही घरेलू और शर्मीली है मेरी बेटी। जिस घर में जाएगी उजाला ही उजाला कर देगी। भाई साहब, आपकी बेटी हमारे ही घर आएगी। जी, ये पूजा बेटी इनके घर क्यों जाएगी? चिरकुट, शादी के बाद पूजा इनके घर नहीं जाएगी तो क्या तेरे घर जाएगी? शादी? पूजा बेटी की शादी की बात करने आए हैं यहाँ? अच्छा, पूजा बेटी भी आ गई। अजी सुनिए, लड़की तो घरेलू लगती है। अरे आओ आओ पूजा बेटी, है मिस्टर एंड मिसेस सैगल है, ये इनका बेटा विजय। बेटा अपने हाथ से चाय बना कर दो, बिल्कुल अपने हाथ से। शुगर पूछ लेना कितनी चाहिए। सॉरी मिस्टर सैगल, दरअसल बेटी नर्वस हो गई थी। ये क्या कर रही हैं आप? तो मैं अपना असली रूप दिखा रही हूँ बच्चे जी। कौन सा सिगरेट पी हो गई? 555 मार्ब्रो रॉथमन्स, नहीं तो अपनी देसी पिल्स। आप सिगरेट पीती हैं? मैं तो शराब भी पीती हूँ। पियोगे मेरे साथ एक पैन? जी मैं शराब नहीं पीता। ओके, तो ब्राउन शुगर ले लो, बाथरूम में पड़ी है। आप ब्राउन शुगर भी लेती हैं? ऑफ कोर्स, बहुत मजा आता है। और फिर यही तो दिन है ऐश करने के लल्लू। 15 फैक्ट्रीज और 12 बंगले। लेकिन सर जी, ये बंगला किसका है? ये तेरे बाप का बंगला है। काफी देर हो गई, लगता है लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया है। ओह नो, गेट लॉस्ट। अरे अरे अरे, हो गया अपना काम। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। नहीं 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 डैडी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारी बेटी में ऐसी क्या खराबी है? खराबी खराबी है, वो सिगरेट पीती है, वो दारू पीती है, वो ड्रग्स भी लेती है। नहीं मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। हमें नहीं करना यहाँ रिश्ता। चलो जी चलो। अरे कैसी बातें कर रहे हो सैगल साहब, सुनिए ना मेरी बात। सैगल साहब, ऐसी कल हुई कि तो घर में परछाई भी ना पड़ने दे। बाय बाय लल्लू। सैगल साहब। क्या डैडी, आप भी कैसे कैसे इडियट्स को बुला लेते हैं। तो ये सब तेरी शरारत थी? शरारत थी डैड, इसे समझदारी कहते हैं। समझदारी की बच्ची शादी नहीं करेगी तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी क्या? कुंवारी क्यों बैठी रहूंगी, शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन ऐसे किसी ऐरे गहरे इडियट के साथ नहीं। इडियट तू है, जानती हूँ उसके बाप के पास 15 फैक्ट्रीज और 12 बंगले हैं, करोड़पति है यार वो। डैडी, जब आपके पास इतने करोड़ों रुपयों की जायदाद है तो अपनी इकलौती बेटी के लिए करोड़पति लड़का क्यों ढूंढ रहे हैं? बकवास मत करो, शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी जिसे मैं पसंद करूंगा, समझी? नहीं। क्या? शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मुझे पसंद है। लव इज गॉड। क्या बात है, क्या बात है, आज क्लास बड़ी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हैं ना सर, इसलिए क्लास भी अच्छी हो गई है। थैंक यू। अच्छा तो कल हम कहाँ थे? अरे अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। काश हमारा पूरा देश इसी तरह प्यार से नारा लगाए तो पूरे देश की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारी फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है? लैला मजनू। अच्छा तो तुम बताओ, तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे? जो खूबसूरत हो, अमीर हो और हमारे स्टेटस की हो। अच्छा तुम बताओ, जो रिच हो, हैंडसम हो और एजुकेटेड हो, जिसके पास बंगला हो, जो मुझे दुनिया की सैर कराए। बस यही तो आप लोग गलती करते हैं, बैठ जाइए। शादी एक इम्पोर्टेंट और अहम डिसीजन है। जहां तक मेरी जानकारी है, आप लोग सब रईस खानदान से, यू आर ऑल वेरी रिच। अब सोचो, तुम्हारी शादी अपने बराबर के घराने में हो, कोई भी लड़का या लड़की जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा हो, क्या उसे तुम्हारी कदर हो सकती है? नहीं। इसलिए खुशहाल जिंदगी के लिए गरीब से शादी करो, गरीब से शादी करो। सोचो अगर तुम्हारी शादी किसी गरीब लड़के से हो जाए जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा हो, जो ये जानता हो कि सारी उम्र लग जाए लेकिन वो अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, सुबह शाम वो आलू के परौंठे खाना शुरू कर दे, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं हो वो अचानक बंगले में रहना शुरू कर दे, जिसके पास आने जाने का बस का भाड़ा ना हो वो अचानक मर्सिडीज में घूमना शुरू कर दे, खाने के लिए आलू के पराठे, घूमने के लिए मर्सिडीज, वो तो तुम्हें देवी मानेगा।
तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे पैर दबाएगा। तो आज आप रईसों ने क्या सीखा? जिंदगी को जाना हमने तरीके से, शादी करने को सिर्फ तरीके से। हाँ, very good। सर, आप गरीब हैं? हाँ, मैं गरीब हूँ। मगर टीचर का काम है शिक्षा देना, परीक्षा देना नहीं। अगर तूने देर कर दी ना तो कोई और बाजी मार जाएगा। हाँ, क्या बात करती है, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। यानी तू उसे प्यार करने लगी है? देख, नसीब का चक्कर छोड़, ये तो वही बात हुई ना कि सामने खाना पड़ा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि अगर हमारे नसीब में होगा तो खुद ब खुद पेट में चला जाएगा। अरे, खाना मुँह में डालने के लिए हाथ तो बढ़ाना चाहिए ना। मैं नहीं कह सकती, मुझे शर्म आती है। हाय, मैं सदके जावा। ये तेरे नसीब में है, वो देख।